अभी से कुछ जमाने पहले तक बचपन की बातें हुआ करती थी, आजकल बसपन की बातें होने लगी हैं। वेद नाम है मेरा, 94.3 माय एफएम पर आप मुझे सुन रहे हैं। शो का नाम है हैप्पी इवनिंग, प्रेजेंटेड बाय सैम ग्लोबल यूनिवर्सिटी, जो है सेंट्रल इंडियाज ओल्डेस्ट एजुकेशनल ग्रुप। और ये बसपन का प्यार आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है। आपने भी रील बनाई उस पर? हाँ हाँ, मैंने देखी है, देखी। भोपाल में ही अपने कितने हैशटैग मिल जाएंगे बसपन के प्यार वाले। लेकिन क्या आपको पता है कि ओरिजिनल गाना कौन सा है? ओ सोनो मेरी डार्लिंग, जानो मेरी जाने मन, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं। 2019 में ये गाना आया था और अब आकर के इतना वायरल हुआ है। उस बच्चे ने गाया है, जिन्होंने ओरिजिनल गाना गाया है, उनका नाम है कमलेश बारोट। तो मेरे साथ में इस वक्त फोन लाइन पर कमलेश बारोट जी हैं। कैसे हैं कमलेश? बस बहुत अच्छे, आप कैसे हैं? मैं बढ़िया, एकदम से फर्स्ट क्लास। एक बार थोड़ा सा हो जाए बचपन का प्यार का। जी जी, लड़के ने बहुत अच्छा गाया है। पहले तो मैं उसको भी बहुत बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत पूरे वर्ल्ड में मेरा गाना उसने फेमस कर दिया है। बिल्कुल, और आपका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ एफएम का। जी जी, हो जाए दो लाइन। जी प्लीज। ओ सोनो मेरी डार्लिंग, जानो मेरी जाने मन, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, जैसा मेरा प्यार है वैसा तुझे किया है, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। क्या बात है, क्या बात, बहुत बढ़िया, उम्दा उम्दा। कैसे बना था ये गाना? ये गाना मेरा फ्रेंड है पीपी बारिया, वो भी राइटर है, तो हम दोनों बैठे थे और हम लोगों ने सोचा क्यों ना ऐसा कोई गाना हो जाए। तो फिर कुछ हमारी भी छोटी सी यादें थी जी, सब मिक्स मसाला करके करीबन 2 साल पहले ये गाना हमने लिखा था। लेकिन अभी बहुत ये गाना वायरल हुआ है और मुझे खुशी उस बात की, 20 साल से मैं 2001 से इस लाइन में हूँ और काफी गाने दिए हिट, और अभी इस टाइम पे वापस मेरा इतना पुराना गाना एक छोटे से बच्चे ने गाया और जिसको पूरे हमारे पूरे इंडिया में वायरल हो गए, बहुत खुशी हो रही है। और मेरे पास कोई लफ्ज नहीं है। तो मतलब ऐसा होता है कि जब भी कोई एक हिट फिल्म होती है तो एक्टर अपना चार्ज बढ़ा देते हैं, एक हिट गाना होता है तो अपनी फीस बढ़ा। अभी आपने भी अपनी फीस थोड़ी बढ़ाई है इसके बाद में? नहीं, फिलहाल मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। अच्छा, क्योंकि हर वक्त को देख के इंसान को अपने काम करने चाहिए। फिर लोगों को ऐसा हो जाता है कि देखो एक गाने में तो बहुत ऊपर चढ़ गया, अभी देखो ना आपने नारियल पानी का भाव बढ़ गया था। वैसा अगर हमारा भाव बढ़ेगा भगवान की दया से, मालिक की मेहरबानी से, तो हम भी कुछ ना कुछ बढ़ा देंगे। बिल्कुल, ये बातचीत जारी रहेगी। थोड़ी देर में इनसे पूछेंगे कि भाई अब सेकंड भी आने वाला है क्या, क्योंकि सीक्वल का जमाना है, पता चले बचपन का प्यार पार्ट 2 आ रहा है बहुत ही जल्द। 94.3 माय एफएम पर रहिए, मैं हूं वेद आपके साथ में, स्टे ट्यून्ड। अभी जो जिसका प्यार है सारे के सारे बचपन के प्यार ही है। मतलब कल इनका टिंडर पर मैच आया है, आज ये निब्बे निब्बी पहली बार डेट पर गए और वीडियो बना रहे हैं बचपन का प्यार मेरा भूल। मैं हूं वेद और 94.3 माय एफएम, शो का नाम है हैप्पी इवनिंग, प्रेजेंटेड बाय सैम ग्लोबल यूनिवर्सिटी, जो है सेंट्रल इंडियाज ओल्डेस्ट एजुकेशनल ग्रुप। तो ये जो बचपन का प्यार आप सुन रहे हैं, 2019 में ये गाना आया था जिसको इस बच्चे ने गाया और अभी ये इतना वायरल हो गया कि इतने सारे सेलेब्स ने भी वीडियोस बनाए हैं। ओरिजिनल गाने के जो सिंगर हैं कमलेश बारोट जी, उनसे मेरी बातचीत चल रही है। बादशाह ने अभी उस बच्चे के साथ में एक सॉन्ग शूट करने का शायद सोचा है और बुलाया है उसको। आपने नहीं सोचा इससे पहले कि एक बार उस बच्चे से मिलकर के उसके साथ में कोई वीडियो बनाने का ट्राई किया जाए? मैंने सोचा है सर, लेकिन अभी हमारे इधर सीजन चल रहा है ना माता जी का, दशा माँ का, तो मैं थोड़ा उसमें बिजी था। मैंने वो क्लिप भी देखी बादशाह जी की और मुझे बहुत खुशी हुई कि छोटे से बच्चे को इतना अच्छा ब्रेक मिल रहा है, क्योंकि मैं भी पहले छोटा बच्चा था और मुझे कोई बैंड बाजा कोई भी डीजे बारात आती तो मुझे ऐसा होता मुझे एक गाना गाने का चांस मिल जाए तो मैं अपनी आवाज दुनिया तक पहुंचा सकूं। तो उस लड़के के लिए बहुत अच्छा है, बहुत ही किस्मत वाला है कि बादशाह जी का उसके ऊपर फोन आया। तो जब भी कोई ओरिजिनल गाने का रिक्रिएशन होता है तो रॉयल्टी वाला सीन होता है, तो आप रॉयल्टी मांगोगे बादशाह बाजी से? वो तो मैंने जिस कंपनी में गाया है वो देख लेंगे। वो देख लेंगे। तो जब भी कोई गाना इस तरह से वायरल होता है या बड़ा हिट होता है उसके सीक्वल की प्लानिंग शुरू हो जाती है, तो क्या हम उम्मीद करें कि कमलेश बारोट जी की तरफ से इसका बचपन का प्यार पार्ट 2 आएगा? हाँ आएगा, पार्ट 2 आएगा, आएगा आएगा। ये गाना वायरल होने के बाद उसके भी व्यूज बहुत काफी अच्छे बढ़ गए और इसके ऊपर ही मेरा छोटा बच्चा है, तो हमारी कंपनी वाले ने वापस उसको रिमिक्स करके
मेरे बच्चे को भी गवाया और मुझे भी गवाया। अरे क्या बात, तो बहुत बहुत बधाई, ऐसे ही आप काम करते रहिए, बहुत ही प्यारा गाना है। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। ओके वेलकम सर, थैंक यू। 94.3 माय एफएम पर आप हैं वेद के साथ में, शो का नाम है हैप्पी इवनिंग। मिलते हैं थोड़ी सी देर में, चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं।